अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही यमी होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। अगर आप भी इस तरह बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा घर पर ख़ुद तैयार करना चाहते हैं, बग़ैर अवन के, माइक्रोवेव अवन के बग़ैर घर में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है, तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और मेरे एक एक स्टेप को जो मैं आपको बताऊँगी उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। आपने मेरी वीडियो के एक एक स्टेप को गौर से देखना है। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन के क्यूब्स ले लिए और इनको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेशन में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं स्क्रीन पर आपके आ रही होंगी, इन चीज़ों के साथ मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया और 20-25 मिनट के लिए उसको साइड पर ढक के रख दिया ताकि वो अच्छे से मसाला जज्ब हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के दौरान आपने इसको चमचे को हिलाते रहना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और गल जाए चिकन। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जब आपको लगे फ्राई हो गया है तो आपने इसको अलहदा करके एक बर्तन में डाल के रख देना है। उसके बाद अगला स्टेप है पिज़्ज़ा की डो बनाना। पिज़्ज़ा की डो जो डबल रोटी होती है पिज़्ज़ा की, वो बनाना सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम है। उसके लिए आपने बहुत ख्याल से मेरी एक एक पॉइंट को देखना है। देखें, चिकन फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसको अलहदा कर दिया। डो के लिए मैंने चीनी ली, चीनी को ग्राइंड कर लिया पाउडर फॉर्म में, उसको गर्म पानी में मिक्स कर लिया। ये देखें थोड़ी चाशनी टाइप लग रही है क्योंकि मैंने चीनी का पाउडर बना लिया था और उसको पानी में मिक्स कर लिया था। ये चीनी मैंने ली थी तकरीबन 2 चम्मच। उसके बाद मैंने यीस्ट लिया, यीस्ट आप देख सकते हैं इस कंपनी के, मैंने 2 यीस्ट के पैकेट लिए और इसको इसमें ऐड कर दिया। आपकी डो कितनी अच्छी बनती है और राइज होती है वो इसी यीस्ट की वजह से होगी। तो मैंने 1 किलो मैदे के लिए 2 पैकेट डाले हैं यीस्ट के। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खुला दूध जो होता है 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी। आपने इन चीज़ों की मिकदार यही रखनी है, अगर कुछ भी ज़्यादा हो गया तो आपकी डो सही नहीं बनेगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, ये भी तकरीबन आपने 1/4 कप लेना है और उसमें से थोड़ा सा बचा लेना है, यानी ज़्यादा कुकिंग ऑयल भी ऐड नहीं करना। यही कुकिंग ऑयल आप एंड में ऐड कर देंगे इसी डो में। उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए और उनको इसमें डायरेक्ट डाल देना है आपने तोड़ के। मैं ये आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने 1 किलो मैदे के लिए 2 अंडे लिए हैं और 2 ही यीस्ट के पैकेट लिए हैं ताकि डो जो है वो आपकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में तैयार हो। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा 1 किलो था, आपने इसको छान लेना है ताकि ये साफ़ सुथरा हो और इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करके मैं ये आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। इस सारे अमेजे को आपने मिक्स कर लेना है और इसको हाथ की मदद से आपने इस तरह गूंदना है जैसे रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए और इसको हाथ से अच्छे से आपने गूंद लेना है। पहले मैं आपको चमचे से मिक्स करके बता रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर शामिल हैं वो मिक्स हो जाएं। और इसको गूंदने के लिए जो मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने गर्म किया हुआ है, ठीक है। तो आपने आटा गूंदने के लिए, जो डो का आटा बनाने के लिए, आपने पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको वीडियो स्टॉप करके हाथ से गूंद के, उसके बाद वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने हाथ से गूंद लिया था, गूंद के रेडी कर लिया था। जब आपका ये देखें डो रेडी हो जाएगा तो ये इतना फूला हुआ नहीं होगा। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रखा। ओवन को पहले आपने हीट कर लेना है। हीट करके जब ओवन गर्म हो जाए उसमें आपने ये डो 30 मिनट के लिए रख देनी है। 30 मिनट बाद आप देखेंगे ये राइज हो जाएगी। अगर ओवन मौजूद ना हो तो आप ये डो जो है किसी भी गर्म जगह पर ढक के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ ली, उनको बारीक बारीक काट लिया जो कि पिज़्ज़ा के ऊपर रखनी है। और मैंने पिज़्ज़ा सॉस पहले से ही तैयार कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद घर में तैयार किया था क्योंकि ये मैं पहले भी घर में ही तैयार करती हूँ। अगर आप लोग भी इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है, मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप खुद घर में बनाना चाहें तो भी आपके लिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। और उसके बाद मैंने चीज़ ली। चीज़ जो है आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। अब 30 मिनट हो गए थे, 30 मिनट बाद मैंने ओवन से डो निकाली तो डो जो का जो साइज़ है वो डबल हो चुका था। डो जो है वो फूल जाती है और बड़ी हो जाती है और डबल हो जाती है साइज़ में। और अगर आपकी डो साइज़ में बढ़ जाए और डबल हो जाए, इट्स मीन आपने जो डो बनाई है वो तसल्ली बख्श है, यानी कि वो अच्छी बन गई है।
उसके बाद आपके पास घर में एक बहुत पुराना सा खस्ता हाल पतीला होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास एक बहुत पुराना पतीला है जो कि मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें आपने उल्टी प्लेट रख के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फुल आंच पर गर्म करना है, जिसको प्री हीटिंग कहते हैं। ठीक है, जब ये पूरी तरह गर्म हो जाए उसके बाद आपने साइड पर इतनी देर में, जितनी देर ये हीट हो रहा होगा, आपने पिज़्ज़ा को रेडी कर लेना है जिसको कि आपने बेकिंग के लिए यूज़ करना है। मैंने ये पिज़्ज़ा प्लेट ली, इसके ऊपर ग्रीसिंग के लिए ऑयल लगाया और इसको फैला दिया अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा के लिए रोटी बेली, है इसके ऊपर हमने सब कुछ रखना है। और मैंने चम्मच की मदद से पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाना है, अच्छे से लगाना है। बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस ना लगाइएगा क्योंकि उससे वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो ऑलरेडी स्पाइसी होता है, तो आप उसकी कम मिकदार ही पिज़्ज़ा के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया आपकी डो की ब्रेड के ऊपर। उसके बाद मैंने चिकन जो फ्राई किया हुआ था उसके क्यूब्स लिए हैं और इनको भी उसी ब्रेड के ऊपर जो है मैंने फैला दिया है चिकन को। उसके बाद में अब बारी है वेजिटेबल्स की। जो सब्ज़ियाँ हैं आप इसमें मशरूम और ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ऑलिव्स पड़े हुए थे लेकिन मैंने सोचा कि टिक्का में ना ही डालूं तो बेहतर है। आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं अपने लिहाज से मशरूम्स या ऑलिव्स। इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह जो सब्ज़ियां मैंने काटी थी वो गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर ऐड कर दी। और दोबारा मैं अब इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। चीज़ मैंने कद्दूकश करके पहले ही साइड पर रख दी थी। बाज़ार से आपको मुख्तलिफ़ अच्छी कंपनीज़ की और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ जो है वो मिल जाती है। मैंने जो चीज़ यूज़ की है वो चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी स्टिकीनेस होती है उसके अंदर, और वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ की है वो चेडर चीज़ है, तो ये टेस्ट वाइज ये भी बहुत अच्छी होती है लेकिन इसमें वो थोड़ी कंसिस्टेंसी और होती है। उसके बाद मैंने ओरिगानो इसके ऊपर स्प्रेड कर। अब आपने इस पिज़्ज़ा को पतीले में रख देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हीट करना है। धीमी आँच पर आपने इसको ढक कर हीट करना है और 10-12 मिनट के बाद ना आपने इसको फॉर्क की मदद से चेक कर लेना है कि अगर ये पक गया है तो इसको निकाल के बाहर रख लें। ये देखें पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो चुका है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी लुक आ रही है पिज़्ज़ा की और ये बहुत ही यमी बना था। मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी डिटेल में शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे पिज़्ज़ा की रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और मुझे बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना और मुझसे कमेंट सेक्शन में आप इसके हवाले से पूछ भी सकते हैं।